हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशाज कुजीन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सोया चंक्स का सोया चिली लेकर आई हूं, बट निशाज कुजीन के ट्विस्ट के साथ। कोई डीप फ्राई नहीं, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं, पूरी तरह से हेल्दी और हेल्थ के लिए कोई समझौता ना करते हुए बहुत ही ज़्यादा चटपटी। तो चलिए किचन की ओर और बनाते हैं इस बारिश के सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए चटपटा बट हेल्दी सोया चिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ सोया चिली। सोया चिली के लिए मैंने सबसे पहले सोयाबीन बड़ी को या फिर बोलिए न्यूट्रिला को मैंने गर्म पानी में डालकर उसे पूरी अच्छे तरह से एक बार बॉयल कर लिया है। सोया चंक्स को बॉयल करने से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। गर्म पानी में डालकर सोक करने पे बहुत अच्छे से ये अंदर से खिला खिला नहीं बनता है। इस कारण मैंने इसे बॉयल किया है और आप भी जहाँ तक कोशिश करें कि सोया चंक्स को हमेशा बॉयल ही करें हल्का सा नमक डाल के। तो इसके लिए मैंने इसे बॉयल करके पानी निकाल कर इसके पानी को अच्छे से दबा दबा कर निकाल दिया है, हल्का पानी रहने दिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी दही, 2 स्पून दही मैंने डाला है, खट्टी दही है ये। अगर आपके पास खट्टी दही अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी नींबू का रस डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी नमक डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट आप हमेशा घर का बना कर रखें, बहुत अच्छा होता है और बहुत ईजली बन जाता है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, थोड़ा चटपटा बनाना है इसलिए, और कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे आप चाहे तो डीप फ्राई करें, चाहे तो सेलो फ्राई करें, बट मैं इसे ना तो डीप फ्राई कर रही हूँ और ना ही सेलो फ्राई कर रही हूँ, मैं इसे एयर फ्राई कर रही हूँ। एयर फ्राई से हमारा ऑयल के बिना ये तैयार होगा, अपने नेचर के अकॉर्डिंग मैं डीप फ्राई ना करके इसे एयर फ्राई करूँगी। देखिए इसे मैं एयर फ्राई के लिए डाल रही हूँ। इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च का भी यूज़ नहीं किया है ताकि ये हमारा हेल्दी वर्जन बन सके। ये देखिए, इसे मैं 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। तक हमारा सोया चंक्स जो है वो एयर फ्राई होता है, तब तक हम साइड बाय साइड उसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन में यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म करके उसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची, जिंजर गार्लिक और चिली को डालेंगे। इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। चिली को 2 भाग में कट कर लिया है। इसे अच्छे से इसमें भूनेंगे और थोड़ी सी बारीक
प्याज काट कर इसे हम भून देंगे। ये देखिए जब हमारा प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च इस तरीके से हल्का सुनहरा हो जाता है तब यहाँ पे हम शिमला मिर्च और प्याज के कुछ बड़े टुकड़े डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें मुझे तेल का यूज ज़्यादा नहीं करना है तो इसे गलाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा लीड लगाकर ढक ढक कर भूनूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। ये देखिए जब हमारा प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च इस तरीके से हल्का सुनहरा हो जाता है तब यहाँ पे हम शिमला मिर्च और प्याज के कुछ बड़े टुकड़े डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें मुझे तेल का यूज ज़्यादा नहीं करना है तो इसे गलाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा लीड लगाकर ढक ढक कर भूनूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। ये देखिए इतना भून गया है हमारा। अब यहाँ पे मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डालूंगी। नमक ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो सॉस वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमारा बहुत सारा नमक होगा। और इसके साथ ही मैंने एक कटोरी में टमेटो सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, विनेगर सभी को मिक्स करके एक घोल बना लिया है जिसे मैं यहाँ इसमें डालूंगी। इन सभी को डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे थोड़ी सी ढककर पकाऊंगी। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने बहुत सारी खट्टी चीज़ें यूज़ की है तो उसके खटास को कम करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी शुगर डालेंगे। डोंट वरी, ये शुगर टेस्ट को बढ़ाएगा ना कि हमारे सोया चिली को मीठा बनाएगा। इससे टेस्ट हमारा सोया चिली का बहुत ही अच्छा चटपटा बनकर आएगा। इसमें चूंकि हमने बारीक प्याज वगैरह डाला है तो इसलिए मैं यहाँ पे भी कॉर्नफ्लोर का यूज़ ना करके इसे ढक ढक कर पकाऊंगी और उसके बाद ही ऑटोमेटिकली इसकी ग्रेवी अच्छी सी थिक तैयार होगी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये सोया चिली का ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी पानी डालकर इसे पकाऊंगी। सारे मसाले, प्याज, शिमला मिर्च सारे एक साथ हो जाएंगे। थोड़ी सी अच्छे से पानी हम डालेंगे क्योंकि हमारा सोया चंक्स जो है वो जब इसमें डलेगा तो वो भी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे तब तक हमारा चंक्स भी एयर फ्राई हो चुका होगा। ये देखिए हमारा एयर फ्रायर का टाइमर ऑफ हो चुका है, मतलब कि हमारा सोया चंक्स जो है देखिए कितना अच्छा ये खिला खिला एयर फ्राई हुआ है। दही का एक अपना ऑयल होता है, उस ऑयल में ये कितना अच्छा से एयर फ्राई हुआ है। अब इसे हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे अच्छे से।
फ्रेंड्स ये देखिए एक एक सोया चंक्स अलग अलग होकर खूब अच्छा खिला खिला ये तैयार हुआ है हमारा एयर फ्राई होकर बिल्कुल। देखिए बिना ऑयल का हमारा ये हेल्दी सोया चंक्स चिली चंक्स रेडी होने जा रहा है निशा कुजीन का की स्पेशलिटी ऑयल फ्री वर्जन और विदाउट कॉर्नफ्लोर का हेल्दी वर्जन हमारा सोया चिली कंप्लीट होने जा रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी मोड पे है। दोनों साइड बनाने से हमारे टाइम की बचत हुई। इसे हम डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और हमारा हेल्दी ऑयल फ्री सोया चिली सर्व के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये सोया चिली का हेल्दी वर्जन कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं ताकि हमें भी ये पता चले कि मैं जो आपके तक रेसिपी लेकर जा रही हूँ वो आपको कैसा लग रहा है ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। हमारे पास अभी ग्रीन अनियन नहीं है तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हरे धनिया से इसे गार्निशिंग करूँगी और अब ये प्लेटिंग के लिए रेडी है। तो मैं आपको प्लेटिंग करके इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ऐसे भी आप देखिए कितना प्यारा कलर आया है कितना खूबसूरत। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी हेल्दी और क्विक रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये रेसिपी और हमारे चैनल शेयर हो सके प्लीज़। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। अभी मैं इसे सर्व करके आपको दिखलाती हूँ कि ये सर्व होकर कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए सोया चिली को मैंने बाउल में निकाल दिया है। इसे अब मैं हरे धनिया से गार्निश कर दे रही हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है विदाउट कॉर्नफ्लोर और विदाउट। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सोया चिली पनीर बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है विदाउट फ्राई किए हुए और विदाउट कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल हेल्दी ऑयल फ्री वर्जन। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके टेक केयर बाय बाय।